हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। सो गाइस, आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है जिसके बारे में बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है। तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर महिला को जानना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी महिला को अगर कम पीरियड्स आ रहे हैं या फिर पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग हो रही है, इसके अलावा नॉर्मल पीरियड्स क्या है या फिर कम पीरियड्स आना किसे कहते हैं और इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड्स इतना एक खूबसूरत अनुभव है जिसकी वजह से एक महिला माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाती है, लेकिन पीरियड्स से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो महिलाओं को पता ही नहीं होती है। बहुत बार बहुत सारी महिलाएं रेगुलर पीरियड आने के बाद भी इस बात से अनजान रहती है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हैं या फिर नहीं है। उसके बाद में हम जानेंगे इनके कारण और कुछ उपाय जिनकी हेल्प से आप अपने पीरियड्स को नॉर्मल कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो यूजफुल लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सो चलते हैं वीडियो में लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल है या नहीं। तो जिस भी महीने आपका पहला दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और अगले महीने जब पहला दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो इस बीच के दिनों को साइकिल कहा जाता है, यानी कि आपके पीरियड के बीच का जो गैप है ये गैप नॉर्मली 28 से लेकर 32 दिनों तक का हो सकता है। लेकिन अगर 28 से ज़्यादा है और अगर 28 से कम और 32 से ज़्यादा है तो ये डेफिनेटली नॉर्मल पीरियड नहीं है। एंड दूसरी बात, कम से कम आपकी जो ब्लीडिंग है 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा एक महावारी में फुल ऑफ ब्लड 10 से 12 पैड होने चाहिए। तो अगर आपके पीरियड 2 दिन से कम आते हैं या फिर आप एक महावारी में 10 से 12 पैड यूज़ नहीं कर रही है, फिर चाहे आपके पीरियड है वो 7 दिन ही क्यों न चल रहे हो, तो कम पीरियड की श्रेणी में आ जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको कम पीरियड की प्रॉब्लम है। तो पीरियड कम आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला जो कारण है, कम उम्र की लड़कियां जिनको पीरियड की अभी शुरुआत हुई है तो उनके पीरियड लेट मिस या लाइट हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीरियड लाने वाले हार्मोन धीरे धीरे संतुलन में आते हैं और ऐसी लड़कियों में आमतौर पर 5 से 10 सालों तक माहवारी नॉर्मल हो जाती है। दूसरा जो कारण है, मेनोपॉज यानी मासिक धर्म का बंद होना। बड़ी उम्र की औरतों यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल है, कम ब्लड आ रहा है तो मेनोपॉज होने का पहला संकेत आपको समझना चाहिए। तो इस समय अगर आपको कम ब्लीडिंग आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो कारण है, पीरियड में कम खून आना गर्भपात का कारण भी हो सकता है। ऐसा अक्सर गर्भपात होने के अगले महीने होना नॉर्मल बात है। यदि आपको ध्यान देना है कि अबॉर्शन के बाद बार बार नॉर्मल कम खून आए तो तुरंत आप गायनाकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि इसका इलाज ना होने पर बांझपन की समस्या आ सकती है जिससे फ्यूचर में आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत अधिक दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी और पीसीओएस महिलाओं में होने वाली बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसकी वजह से भी आपको पीरियड्स कम आ सकती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स की बॉडी में आए दिन हार्मोन्स का बदलाव होता रहता है। एंड अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का लगातार सेवन कर रही है तो आपके पीरियड्स हैं वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में खून की कमी है या फिर आप लगातार स्ट्रेस से गुजर रही हैं तो आपके नॉर्मल जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं घरेलू उपायों की जिसकी हेल्प से आप अपने पीरियड को नॉर्मल कर सकते हैं। पहला जो उपाय है, मासिक धर्म में कम ब्लीडिंग होने पर अदरक का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच गुड़ मिलाकर खाएं। यह उपाय मासिक धर्म में बहुत लाभदायक है और बेहतर उपाय के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। दूसरा जो उपाय है, तिल और गुड़ का उपयोग। तिल और गुड़ का तासीर गर्म होता है इसलिए मासिक धर्म शुरू होने के 10 दिन पहले ही 1 चम्मच तिल में गुड़ मिलाकर खाएं। यह माहवारी को कम ब्लीडिंग की समस्या को ठीक करता है।
तीसरा उपाय है हल्दी, गर्म पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर मासिक धर्म की निर्धारित तिथि से 5 दिन पहले सुबह शाम पीना शुरू कर दे। आप चाहे तो इसे दूध में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेथी, कम ब्लीडिंग की परेशानी में मेथी बहुत ही फायदेमंद है। मेथी में कई उपयोगी गुण होते हैं। सुबह खाली पेट एक चम्मच मेथी को गर्म पानी के साथ में ले, जो आपकी कम ब्लीडिंग की जो परेशानी है उसको दूर करेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो यूजफुल लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।